विवान, क्या हुआ? तुमने हम दोनों को इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया? क्योंकि नकाब पोस्ट ने मुझे एक मैसेज भेजा है कि तुम ना सब धरती पर कोई वायरस यानी कि विषाणु फैला रही है और हमें ये पता लगाना चाहिए कि तुम ना सब को ये वायरस मिला कहाँ से। लेकिन बिना किसी सुराग के हम कैसे पता लगा सकते हैं कि तुम मुझे पता है कि तिम्नासा को वो विषाणु कहां से मिला। मैं हवा के रूप में दुनिया के ऊपर नजर रख रही थी और तब मैंने देखा कि तिम्नासा और उसके साथियों कोई प्रयोगशाला से बाहर आ रहे थे। जाओ और इस खतरनाक बीमारी को पृथ्वी पर यमराज के श्राप की तरह फैला दो। एक भी इंसान नहीं बचना चाहिए। इसका मतलब इस वायरस का एंटीडोट जरूर उस लैबोरेटरी में ही होगा जहां से तिम्नासा ने इस वायरस को चोरी किया है। वही परी, हमें उस जगह पर लेते दो। हाँ विवान। क्या कहा? वायरस पूरी दुनिया में फैल रहा है? हाँ, पर उसकी शुरुआत आपके इस लैबोरेटरी से ही हुई है। इम्पॉसिबल, इस लैबोरेटरी में हाई क्लास सिक्योरिटी लगी हुई है। अच्छा, तो फिर हम अंदर कैसे आए? वो भी बिना किसी अपॉइंटमेंट के। देखिए, आप लोग वैज्ञानिक हैं और इस समय धरती के लोगों की आपको मदद करनी चाहिए। इस घातक विषाणु का आपके पास कोई तो इलाज होगा। हाँ, हमारी रिसर्च कंप्लीट हो चुकी है और इस डेडली वायरस का एंटीडोट भी हम बना चुके हैं। अच्छा, हम लोग समय से यहाँ पर पहुंच गए। हमें वो दवा मिल जाएगी ना तो सब कुछ काबू में आ जाएगा। एंटीडोट के सैंपल्स कहाँ चले गए? इसी में रखे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। अगर एंटीडोट नहीं मिल रहा है तो आपको एंटीडोट बनाने का फॉर्मूला तो याद होगा ना? हाँ, फॉर्मूला तो है। फॉर्मूला जूनियर, फॉर्मूला याद क्यों नहीं आ रहा है मुझे? फॉर्मूला कैसे भूल सकता हूं मैं? लगता है टिम्मी आंटी ने इनकी और इनकी साथियों की मेमोरी को क्लीन कर दिया है। अच्छी वायु परी, वायु परी, अरे ये क्या? वायु परी का तो शरीर एकदम गर्म है। क्या वायु परी? लेकिन अचानक वायु परी को फीवर कैसे हो गया? आराम से वायु परी। मुझे डाउट है कि इनको भी वायरस ने अटैक किया है और इन्फेक्शन की वजह से इनको फीवर हो गया है। क्या क्या वायु परी, आराम से संभालो। साइंटिस्ट सर, माना कि आपका एंटीडोट बनाने का फॉर्मूला याद नहीं है, लेकिन आप तो साइंटिस्ट है, आप इस वायरस के एंटीडोट का कोई नया फॉर्मूला नहीं बना सकते? बेटा, किसी भी बीमारी का एंटीडोट रिसर्च करने में सालों लग जाते हैं और ये तो नया वायरस है, बिल्कुल नया। आई एम सॉरी, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं क्या, मैं या कोई और भी साइंटिस्ट ओवरनाइट इसका एंटीडोट नहीं बना सकता। ये तिम्नासा ने जानबूझकर किया है विवान। पहले तो उसने ये घातक विषाणु चुराया, साथ ही साथ दवाई भी चुरा ली और शायद हम साइंटिस्ट की याददाश्त भी मिटा दी ताकि कोई भी हमारी सहायता ना कर सके। ये वायरस बहुत ही स्ट्रांग है। सोचो, अगर वायु परी पर इस वायरस का इतना स्ट्रांग इफेक्ट हो रहा है तो दुनिया के नॉर्मल लोगों पर इसका क्या असर हो रहा होगा? अंकल, 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 आप ठीक है ना अंकल? अंकल, इस वायरस का फुल इफेक्ट शुरू हो रहा है जिसमें जुकाम के बाद लोगों को गहरी नींद आने लगती है।
बेटा 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 आगे को लो बाटे बेटा। विवान जब तक वायरस का एंटीडोट लेकर वापस लौटेगा तब तक बहुत देर हो जाएगी, इसलिए मुझे ही इन लोगों को जादुई शक्ति से टेम्पररी राहत देनी होगी। जादू का भी असर नहीं हो रहा, पता नहीं घर पर क्या हाल होगा। पापा जी ये लीजिए, ये अजवाइन और शहद का घोल है, आपको आराम मिलेगा जुखाम में। पापा जी क्या हुआ आपको? पापा जी बेड़ा गर्क हो इस जुखाम का, सुबह से परेशान कर रखा है हम सबको। हे भगवान पापा जी को जल्दी ठीक कर दो। मम्मी कोई ऐसे तो नहीं कि हम जिसे नॉर्मल फ्लू समझ रहे हैं वो कोई बड़ा एपिडेमिक हो? अरे शुभ शुभ बोल बेटा। नहीं मम्मी, मैं टीवी ऑन करके देखती हूँ, क्या पता इस इन्फेक्शन के बारे में कोई न्यूज आ रही हो। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, यही कहकर अभिनंदन करते हैं ना आप धरतीवासी एक दूसरे को। खैर मैं यहाँ पे आप सबको ये बताने आई हूँ कि अगर आप सबने मेरी बात नहीं मानी तो मजबूर है आप सबको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। कौन है ये औरत? मैं कौन हूँ ये जानना जरूरी नहीं है आप सबके लिए, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ ये बहुत जरूरी है जानना। जिसे आप लोग एक छोटी मोटी बीमारी समझ रहे हैं ना, खांसी जुकाम, दरअसल वो एक जानलेवा बीमारी है। वो एक विषाणु है जिसे मैंने फैलाया है, जिसके पीछे मेरा हाथ है। क्या बोल रही है? लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है धरतीवासियों, क्योंकि इस विषाणु का इलाज है मेरे पास, ये दवा। अगर आप सब चाहते हैं कि मैं ये दवा आप सबको दे दूं, तो बदले में मुझे वो नकाब पोश चाहिए। ये कौन सा चैनल लगा है खुशी? हाँ कौन है ये? क्या बकवास कर रही है? और ये नकाबपोश कौन है? अगर किसी को भी इस नकाबपोश के बारे में पता चले तो उसे मेरा एक संदेशा दे देना कि अगले एक घंटे में या तो आकर मेरे सामने घुटने टेके अपने, नहीं तो पूरी दुनिया की अर्थी उठते हुए देखे। इस बार तमन्नासा ने तो सीमा लांग दी। तमन्नासा ये रही उस विषाणु की औषध थी जिसे लेने के लिए नकाबपोश यहाँ जरूर आएगा। तमन्नासा तुमने पूरी दुनिया में डिंडोरा पीट दिया है कि पृथ्वी पर ये बीमारी तुमने फैलाई है। तुम्हें नहीं लगता नकाबपोश के अलावा बालवीर और वो परियां भी यहाँ आ सकती हैं इसका तोड़ ढूंढने के लिए? वो समय कौन रक्षा करेगा आपकी, क्योंकि मेरे जैसे वीर योद्धा पर आपने ये विषाणु छोड़ दिया है। जरा उधर देखिए महाराज अभी कितने कमजोर हो गए। इसलिए तो मैं ये औषध भी लाई हूं ताकि तुम दोनों ठीक हो सको। महारानी दीजिए ना जल्दी से, लाइए लाइए लाइए। लेकिन एक शर्त है, ये औषधि सिर्फ तुम दोनों के लिए है और इसके बारे में तुम जबदाली को कुछ नहीं बताओगे। मैं जानता महारानी कि आप उस जबदाली से ज्यादा मुझसे प्यार करती हो। लेकिन तमन्नासा जगदाली को तुम मारना ही क्यों चाहती? जाने दीजिए,
जैसा भी आखिर तुम्हारा वफादार है। जबदाली को मैं ये औषधि क्यों नहीं दे रही ये तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। मेहमान, और रही बात छोटे बालवीर और उन परियों की, उनके साथ मुझे क्या करना है मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ। इस जादुई लेप से वायु परी का हृदय तो चलता रहेगा लेकिन शरीर से विषाणु का प्रभाव उतरेगा नहीं। शौर्य, अब हमें इस वायरस को रोकने के लिए क्या करना होगा? अब तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बच गया है। कौन सा रास्ता बताइए ना शौर्य। वो रास्ता चाहे जितना भी मुश्किल हो, मैं उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हूँ। परियों, तुम सब धरती पर जाकर इस दवा से लोगों का उपचार शुरू करो। इस दवा के प्रभाव से लोगों की सांसें चलती रहेंगी। लेकिन शौर्य, आपने बताया नहीं इस वायरस का तोड़ हमें कैसे मिलेगा, हमें किस रास्ते पर चलना पड़ेगा? कुछ सवालों का जवाब सही समय आने पर ही मिलता है विवान, इसलिए उस समय का इंतजार करो और अभी जाकर परियों की मदद करो। ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे शौर्य मुझे कुछ छुपा रहे हैं? एनीवे, मुझे उन पर ट्रस्ट करना चाहिए क्योंकि वो हमारे गाइड हैं। उनके डिसीजन के पीछे जरूर कोई सॉलिड रीजन होगा। शहर के सारे हॉस्पिटल्स के नंबर बिजी जा रहे, कहाँ लेके जाएंगे पापा जी को? मम्मी, अब तो हमारे पास सिर्फ एक ही सलूशन है कि वो नकाब पोश टीवी वाली आंटी को सरेंडर कर दे। पक्षी, लेकिन हम उस नकाब पोश को ढूंढेंगे कैसे? हाँ मम्मी, हम उसे ढूंढ तो नहीं सकते पर हम प्रे तो कर सकते हैं ना कि वो नकाब पोश जहाँ भी है वो धरती वासियों को बचा ले। विवान, अक्षय, तू ठीक तो है ना? तुझे कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ ना? फीवर? नहीं, नहीं, मैं तुझे छोड़ नहीं सकती, कहीं मेरा इन्फेक्शन तुझे ना हो जाए। फिकर नॉट मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप और दादाजी भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं आप दोनों के लिए स्पेशल दवाई लेने गया था जिससे आप दोनों बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ये तो कोई आयुर्वेदिक क्रीम जैसी दवा लग रही है। हाँ करेक्ट दीदी, करेक्ट। वो मम्मी जैसे हमें शहद और अजवाइन का घोल पिलाती है ना, ठीक वैसे ही ये भी एक देसी नुस्खा है। एंड आई प्रॉमिस कि इस दवाई के यूज से वायरस के फिर कंट्रोल में आ जाएगा। ये लीजिए मम्मी। अरे लेकिन रुक तो, कहाँ जा रहे हैं? रुक, अरे विवान रुक, रुक, तू कहाँ जा रहा है? मैं वो और दवाई बनवा कर लाने जा रहा हूँ ताकि भारत नगर के बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके। विवान, लगता है खुशी पर तिमनासा ने कोई जादू किया है। तू हीरो है क्या? हाँ, जो बाकी लोगों को बचाएगा अपनी जान खतरे में डालकर। अक्षय, तू कहीं नहीं जाएगा, मैंने बोल दिया ना। मम्मी, मम्मी, मम्मी संभल के, मम्मी, 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 माँ, 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 मम्मी, माँ, माँ, मम्मी, मम्मी, माँ, देखो भैया, मैं ये दवाई फील लोग से लाया हूँ, आप इसे प्लीज मम्मी और दादाजी के सिर पर लगा दीजिएगा, ठीक है? ले लीजिए, लगा देना। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? बेटा, भाई और पोता होने का धर्म तो निभा दिया मैंने, अब बालवीर होने का धर्म निभाने जा रहा हूँ मैं। तब तक आप प्लीज अपना और दीदी का ध्यान रखना, ठीक है? जाओ। वरुणा जी, आंखें खोलिए।
अब आराम से बैठे, आराम से आराम से। मुझे नकाबपोश दोस्त की ही सहायता लेनी होगी। शौर्य। क्या हुआ बालवीर? अपने विमान और परियों को दिव्य लेप लेकर दुनिया के हर कोने में भेजा है, लेकिन उससे वो वायरस ठीक नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ बालवीर, और मैं ये भी जानता हूँ कि हमारे पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। हाँ शौर्य, इसलिए तिमनासा के सामने नकाबपोश को समर्पण करना ही होगा। हज, अब तो मैं इन सब की हेल्प ही नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास जो देवी लेप था वो तो खत्म हो गया है। मुझे नकाबपोश से हेल्प लेनी चाहिए, लेकिन मैं उनसे कांटेक्ट कैसे करूंगा? वो तो अपनी रॉकेट जैसी बाइक पर आते हैं और चले भी जाते हैं। तक मैसेज कैसे पहुंच जाऊं? रॉकेट जैसी भाई, यस, रॉकेट आसमान में उड़ता है, तो क्यों ना मैं मेरा मैसेज भी। नकाबपोश को दिख जाए। एक बार सोच लो बालवीर, क्योंकि तिमनासा किसी मकड़ी से भी ज्यादा बारीक जाल बुनने में माहिर है। हमारे पास दूसरा कोई उपाय निकालने का समय नहीं है, मुझे खतरा उठाना ही होगा। आशीर्वाद दीजिए शौर्य। ठीक है, विजयी होकर लौटो। दोस्त, मीट मी। ध्वनि परी, तुम्हें तो वायु परी की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी गई थी, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? शौर्य, वायु परी की हालत बिगड़ रही थी इसलिए मैं आपको लेने आई थी, लेकिन आप मुझे यहाँ मिले और आप यहाँ खड़े होकर आकाश की तरफ देख रहे थे और मुझे ऐसा लगा जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं। हाँ, मैं उस अनजान ऊर्जा से बात कर रहा था जिसने इसके पहले भी हमारी मदद की है। कमोन दोस्त, कमोन, ऐसे तो बिन बुलाए आ जाते हो, आज तो जरूरत है मुझे तुम्हारी, प्लीज आ जाओ प्लीज।
पास तो आई लेकिन दोस्त नहीं आया। हाउ स्ट्रेंज। विवान, विवान। शौर्य, तुम नकाबपोश को ढूंढ रहे हो लेकिन वो यहाँ नहीं आने वाला है। आपको कैसे पता? मुझसे उस अनजान ऊर्जा ने संपर्क किया था और उसी ने मुझे ये जानकारी दी है कि नकाबपोश तिमनासा के सामने समर्पण करने गया है। What? मैं नहीं तो सोचा था कि मैं परी और दोस्त मिलकर तिमनासा की ब्लैकमेल का जवाब देंगे, लेकिन दोस्त अकेले ही सरेंडर करने चला गया। हम अब भी नकाबपोश की सहायता कर सकते हैं विवान, क्योंकि उसने हमारी मदद कई बार की है, इसलिए अब हमारी बारी है। ऑफ कोर्स शौर्य, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए क्योंकि असली दोस्त वही होता है जो मुसीबत के समय हमारा साथ दे। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इनडीड। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.